तो चार्जर वगैरह में भी आपको 6 माह की वारंटी मिलने वाली है। और मैंने बता ही दिया है कि इसमें 2 ऑप्शन है आपको, लोहा बॉडी में क्योंकि बगल में ही खड़ा है, और स्टील बॉडी में, आपको दोनों बॉडी में मिलने वाला है रिक्शा। अब इस रिक्शा की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 35 किलोमीटर/घंटे के हिसाब से इसकी हेलो दोस्तों, अगर आप एक रिक्शा लेने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है, क्योंकि जो आपके सामने रिक्शा खड़ा है APM कंपनी का, इसका फुल डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं कि इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलने वाला है, कितनी रेंज में जाएगा, इसकी टॉप स्पीड क्या है और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। तो वीडियो को सामने से शुरू करते हैं। तो APM कंपनी का ये रिक्शा है, चौरसिया मोटर्स जो कि छतरपुर में है, पता है यहाँ पर लिखा है DIG ऑफिस के पास, जवाहर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश में। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके APM के किसी भी रिक्शा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कुछ आगे का लुक इस तरह का दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, जैसे मेरे भाई लोग चलाते हैं इस रिक्शा को तो धूल वगैरह नहीं जाएगी, और बरसात के टाइम में भी चलाते हैं तो बरसात के टाइम में वाइपर भी दिया गया है जिससे इसको पानी भी साफ करता रहेगा। और आगे यहाँ पर कुछ लाइटें दी गई हैं, जैसे कि इंटीग्रेटर लाइटें दी गई हैं, और यहाँ पर एक हैलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट मिलने वाली है जो कि जिसका काफ़ी अच्छा उजाला दिया गया है। यहाँ पर नंबर प्लेट ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर एक सिंगल हॉर्न दिया गया है, और जो सस्पेंशन दिए गए हैं काफ़ी हैवी इसमें सस्पेंशन मिलने वाले हैं। और आगे के टायर साइज की और बात कर लेते हैं तो MRF के इसमें टायर डले हुए हैं जिनका साइज है 3/75-12 इंच के, तो काफ़ी अच्छे इसमें टायर भी दिए गए हैं। और इस साइड से भी देख लीजिए, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक स्टील बॉडी में आता है जैसे कि आप ही देख पा रहे हैं, तो ये स्टील बॉडी में दिया गया है। बाकी आपको लोहा बॉडी लेना है तो कुछ जो लोहा बॉडी में रखे हुए हैं तो आप इनमें लोहा बॉडी भी ले सकते हैं, आपको ये ऑप्शनल मिलने वाला है। और बगल से भी देख लीजिए, इसका यहाँ पर आपको लोहे में मिलने वाला है, और जो इसका यहाँ पर मडगार्ड टाइप का दिया गया है, ये भी काफ़ी मजबूत दिया गया है सेफ्टी के लिए, जैसे कि मेरे भाई लोग चलाते हैं तो यहाँ पर बैठकर और सेफ्टी के लिए पाँव वगैरह से कीचड़ वगैरह कुछ भी नहीं उठेगा, सेफ्टी के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको पाँव में ब्रेक वगैरह मिल जाता है, और एक ब्रेक आपको यहाँ पर भी मिल जाता है हैंड ब्रेक, यहाँ पर अग्निशमन यंत्र मिल जाता है, और इसमें साउंड वगैरह भी दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर साउंड सिस्टम दिया गया है, मेरे भाई लोग इसको गाना बजा कर भी चला सकते हैं। और अंदर साइड से भी आप देख लीजिए, केबिन कुछ इस तरह की है, यहाँ पर लाइट मिलने वाली है, और यहाँ पर मिरर दिए गए हैं, 2 बड़े बड़े मिरर मिलने वाले हैं इसमें, एक मिरर वहाँ पर भी दिया गया है, और इसके मीटर वाले इसमें फुली डिजिटल मीटर मिलने वाला है, जैसे कि इसमें बैटरी कनेक्शन है नहीं, बैटरी इसमें तब डाल के देते हैं जैसे कि कोई ख़रीदता है इसको, तो उसमें और ये भी ऑप्शन है कि आपको 4 बैटरी में लेना है कि 5 बैटरी में लेना है। तो अगर आप 4 बैटरी में लेंगे इसको तो 1,60,000 रुपये का मिलेगा, और अगर आपको 5 बैटरी में इस रिक्शे को ख़रीदते हैं तो 1,80,000 रुपये का मिलेगा। तो बैटरी कनेक्शन इसमें है नहीं। और बाकी आप यहाँ से भी देख लीजिए, तो ये आगे वाली सीट है, और यहाँ पर इसका कंट्रोलर दिया गया है जिसकी 1 साल की वारंटी दी गई है, और यहाँ पर इसका जैक वगैरह सिस्टम रखा हुआ है, जैसे टूल्स वगैरह और भी कुछ सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और जो सीट दी गई है काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है, आराम से बैठ कर चला सकते हैं, पूरे दिन थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर APM की बैजिंग मिल जाती है। अब मैं आपको पीछे साइड से भी दिखाता हूँ, तो पीछे भी कुछ हुक दिए गए हैं, जैसे कि ये हुक दिए गए हैं, पीछे पैसेंजर वगैरह बैठते हैं तो सपोर्ट के लिए ना हुक भी मिल जाता है दोनों साइड। और पीछे की ये सीट दी गई है तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल दी गई है, इनमें खोल के भी दिखा दूँ मैं, तो इनमें बैटरी कनेक्शन होगा, जैसे कि 2 बैटरी यहाँ पर डलेगी और 3 बैटरी पीछे वाली सीट पर डलेंगी। अगर आपको 4 बैटरी में लेना तो 4 बैटरी में आप खरीद सकते हैं, अगर आपको 5 बैटरी में लेना तो 5 बैटरी में खरीद सकते हैं। पीछे की मैं खोल के दिखा दूँ तो यहाँ पर 3 बैटरी आती है, और नीचे ये मोटर दी गई है जिसकी मोटर की भी आपको 1 साल की वारंटी मिलने वाली है। बाकी इसमें सस्पेंशन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि आप रिक्शा वगैरह रोड पर चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी धचके वगैरह या बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, आपको धचके वगैरह बिल्कुल नहीं।
लगने वाले हैं। अंदर की केबल जो देख पा रहे हैं कितनी मजबूत दी गई है, काफ़ी मजबूत अंदर की केबल मिलने वाली है इसमें। और पीछे के व्हील साइज की बात कर लेते हैं, क्रोम फिनिशिंग के साथ इसमें व्हील मिलने वाले हैं। पीछे भी MRF के टायर दिए गए हैं, 3 75 12 इंच के पीछे भी टायर दिए गए हैं। और ये डबल चेचस बॉडी में मिलने वाला है, इसमें नीचे डबल चेचस बॉडी दी गई है, आप देख पा रहे होंगे इसमें डबल मिलने वाली है। और ये ब्रेक सिस्टम दिया गया है हैंड ब्रेक के लिए। आगे आपको पीछे साइड से भी दिखाता हूँ, तो पीछे भी कुछ लाइटें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जिससे ट्रक वगैरह में आते हैं मजबूत सेफ्टी के साथ, वही लाइटें इनमें मिलने वाली हैं। और यहाँ पर ऐसे खड़े हो भी हो सकते हैं इस पर पाँव रख कर। और पीछे भी आपको APM चौरसिया मोटर्स की बैजिंग मिल जाती है। इस साइड से भी देख लीजिए, नीचे जो सस्पेंशन दिए गए हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जो सस्पेंशन की वजह से आपको बिल्कुल भी धचका या कुछ भी नहीं लगेगा, काफ़ी कम्फर्टेबल महसूस करेंगे। अब इस रिक्शा की टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो 35 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड दी गई है, यानी कि एक घंटे में 35 किलोमीटर जाएगा। और इसकी बैटरी चार्जिंग के बारे में बात करें तो कितना टाइम लगेगा, तो जैसे आप इसको 5 बैटरी में लेते हैं इस रिक्शा को, तो आपका 7 से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। और इसकी रेंज आपको 150+ मिलने वाली है। एक बार आप इस रिक्शा को चार्ज करते हैं तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा। और मैंने बता ही दिया है कि इसमें 2 ऑप्शन है आपको, लोहा बॉडी में क्योंकि बगल में ही खड़ा है, और स्टील बॉडी में, आपको दोनों बॉडी में मिलने वाला है रिक्शा। और इसके चार्जर वगैरह की बात करें तो चार्जर वगैरह में भी आपको 6 माह की वारंटी मिलने वाली है। जैसे कि आपके चार्जर वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी द्वारा उसको रिपेयर किया जाएगा। और अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो मैंने प्राइस का बता ही दिया है कि अगर आप इसको 5 बैटरी में खरीदते हैं तो 1,80,000 रुपये का, और अगर आप इसको 4 बैटरी में खरीदते हैं तो 1,60,000 रुपये का। और डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो कम से कम आप इस रिक्शा को ख़रीदने में 60 से 70,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और इस रिक्शा को अपने घर ले जा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा रिक्शा है कि ना इसमें आपको डीजल लगने वाला है, ना कि इसमें पेट्रोल लगने वाला है, और एक अच्छा खासा इसमें रोजगार मिलने वाला है, जो कि आप एक बार चार्ज करिए और आप इसके साथ 700 से 800 रुपये के बीच में कमा सकते हो। जैसे आप कहीं सिटी में रहते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कैसे पैसेंजर निकलते हैं, तो इस हिसाब से भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस रिक्शा के थ्रू। तो इसको आज ही खरीदिए और अपने सपनों को साकार कीजिए और अच्छा खासा रोजगार पाइए। नो पेट्रोल, नो डीजल इसमें। और इसकी सर्विस वाली बात करें तो इसमें आपको सर्विस में भी ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, सर्विस में मात्र आपको 100 से 150 रुपये का बीच में खर्चा आएगा। बाकी इसकी सर्विस 2500 से 3000 के बीच में होती है, तो एक सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पर भी आपको एक LED में लाइट मिलने वाली है, ऊपर लगेज वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें थोड़ा बहुत लगेज वगैरह भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करें लाइक और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय। बाकी एजेंसी के बारे में बात करें तो चौरसिया मोटर्स, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, आप इन पर कॉल करके किसी भी रिक्शा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑफिस वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर भैया लोग बैठते हैं तो भैया के द्वारा भी जानकारी ले सकते हैं। अगर सामान वगैरह भी रखा हुआ है, रिपेयर वगैरह, जैसे आपके रिक्शा वगैरह में कोई भी इशू आता है तो उसके लिए। और पीछे भी आपको यहाँ पर स्टॉक में रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि अभी खाली दिया गया है, बाकी 1-2 तारीख को आने वाले हैं इसके रिक्शा, तो फुल भरा मिलेगा, ये बिल्कुल बुक मिलेगा, आते जाते रहते हैं रिक्शा।